और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आप एक रेंज में ही आज ट्रेड करेंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आए। 1060 शेयर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांसेस के साथ शुरुआत की है, 447 शेयर इस समय डिक्लाइंस के साथ हैं, तो रेशो होगा 10:4, यानी कि हर 4 शेयर के मुकाबले 10 शेयरों ने अच्छी ओपनिंग की है। भले रेंज का हमने मार्केट ओपन किया है 17,566, ये आज का ओपनिंग का टिक है। अभी टिक स्लो है कि अभी रुक गया है, देखते हैं, अभी ऐसे इतनी जल्दी रुकते नहीं है टिक, लेकिन अब कुछ इसमें अभी टिक आना शुरू हुआ है। और दूसरा 58,900 एक सेंसेक्स का लेवल। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे एग्रेशन थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा है, ये टूटने का भी एग्रेशन हो सकता है और चलने का भी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का भी और स्पीड से चलने का, क्योंकि 13% का ओवाई इसके अंदर है। मैंने आपको सुबह सुबह एक पॉइंट और नोटिस करा था कि 5,000 करोड़ रुपये की वापस से ऑप्शंस के अंदर बाइंग आई है, ये शायद बाजार को एक रेंज में ब्रैकेट में कर दे। देखते हैं अभी क्या होता है, एक मूवमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। पहले आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज निफ्टी के शेयर्स जहाँ जहाँ पे स्ट्रेंथ मिली है, नेस्ले इंडिया ये करीब 0.5% ऊपर था, यानी कि फ्रीज हुआ था, अभी 1.5% ऊपर है। ICICI आ गया लिस्ट में अब 1% की तेजी के साथ, इसने एकदम से छलांग मारी है। BPCL भी ऊपर आ गया है, और ये BPCL HPCL दोनों पिटे हुए शेयर्स थे, हाँ, तो इसलिए किसी को अगर लग रहा है कि बहुत तेज़ है, ऐसा तेज़ वेज नहीं है, ये बहुत तेज़ से दोनों टूटे थे, इसलिए दोनों हरे निशान में आज आपको दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत पुल बैक एंड में। भारतीय एयरटेल करीब 0.5% से 1% है, UPL के अंदर भी करीब 1% की तेज़ी है। ये वो पहले 5 शेयर हैं जहाँ पर आपको परसेंटेज में बढ़ोतरी दिखा दी। नेस्ले के अंदर काफ़ी अच्छी मजबूती, ये करीब 2% ऊपर, NTPC 2% नीचे, GSW स्टील फ्लैट, एशियन पेंट्स 0.5% नीचे, इन्फोसिस कमज़ोर है। आज एक और चीज़ दिख रही है मार्केट के अंदर, HDFC और बैंकिंग में फिर से कुछ बाइंग है, इसलिए आज आप पहले शुरुआत के आधा घंटा कम से कम बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच कीजिएगा। और एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, आप मार्केट में अगर जो स्क्रीन रीड करना जानते हैं कि उनको दिख रहा होगा कि थोड़े हट के चलने वाले शेयर आपको आज लीडरशिप में दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, आज शुरुआत में रिलायंस नहीं है, आज नेस्ले है, आज HUL है, आज ब्रिटानिया है, ये टिपिकली FMCG का सेगमेंट है ना, ये थोड़ा साइडवेज करता है बाजार को, आप इसलिए नोटिस कीजिए। आप देखिए निफ्टी आपका लाल निशान में आ गया, यही एक पॉइंट था जो मैं आपको सुबह सुबह नोटिस करवा रहा था कि उस एरिया बॉर्डर एरिया पे खुल रहा है, अगर चले तो हम बहुत अच्छा मूव करेंगे, नहीं तो हम फिसल भी सकते हैं, बी अवेयर, सावधान रहें। 1166 जबकि एडवांस डिक्लाइन हमारा ठीक हुआ है, लेकिन लीडरशिप की कमी है, इसलिए आपको निफ्टी वापस से लाल निशान में आ गया। रुक जाइएगा आधा पौना घंटा, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा, आपको अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा। छोटे मझोले शेयर आपको प्रियंका बता रही है। देखिए छोटे मझोले शेयरों में भी ना डिब्बी एक्शन तो आज अर्निंग बेस्ड है। सबसे ऊपर आपको गेनर्स पर दिख रहा है टाटा केमिकल, 7.5% की तेजी आपको स्टॉक में दिख रही है, नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स के बाद का इंपैक्ट है। सिटी यूनियन बैंक सेकंड टॉप गेनर, वहाँ भी नंबर्स का इंपैक्ट है, 3.5% की तेजी है। पावर स्टॉक्स की अभी हम बात ही कर रहे थे कि पावर स्टॉक्स थोड़े से इनमें करंट है, टोरेंट पावर आपको दिख रहा है, एनर्जी पावर, यहाँ थोड़ा सा आपको आज फिर भी एक्शन दिख रहा है। इसके अलावा आपको याद होगा कि नंबर्स आते प्रेस्टीज के भी, वहाँ भी अच्छा आपने नंबर्स देखे, और उसके बाद वो भी आपको एक गेनर्स में, इनिशियल गेनर्स में गोदरेज इंडस्ट्रीज, प्रेस्टीज स्टेट्स, ये स्टॉक्स दिख रहे हैं। वर्लपूल के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद का ये इंपैक्ट है, तो पावर स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं। नंबर बेस्ड आज आपको एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फिर से दिखाई दे रहा है, गिरने वाले वो स्टॉक्स हैं जहां पर ऑलरेडी पहले मूव आ चुकी है, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर, एबी कैपिटल, नंबर्स के बाद आपने मूव देखी थी और वहां पर अब आप सॉफ्ट दिख रहे हैं। IT पैक आपको आज फिर से दबाव में दिख रहा है, इंफोसिस, माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो इस वक्त प्रेशर में काम कर रहे हैं। एक बार डेरिवेटिव स्पेस पर भी देख लेते कि वहां किस तरह का एक्शन दिख रहा है, तो डेरिवेटिव स्पेस में भी क्लियरली आपको वो काउंटर्स तो दिख रहे हैं, भारतीय एयरटेल जैसे नंबर्स जहां इंपैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस काउंटर्स में आपको मुथूट फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जहां थोड़े बहुत शॉर्ट बन रहे हैं, इनिशियल अभी पोजीशनिंग दिख रही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग काउंटर्स आपको गैस काउंटर्स भी दिख रहे हैं, आपको रिजल्ट बेस्ड काउंटर्स दिख रहे हैं। वेरी क्विकली एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि वो कौन सी पिक्स यहां आइडेंटिफाई